बात 1974 की है, शूटिंग हो रही थी, फिल्म का नाम था पाप और पुण्य। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रयागराज। इस फिल्म में एक सीन ये था कि शर्मिला टैगोर को फर्स्ट फ्लोर से जंप करना था और वो भी एक ब्रीफ केस लेकर। जब पता चला तो शर्मिला जी घबरा गई, कोशिश की, सजेशन दिए कि थोड़ा सा सीन में बदलाव हो जाए, मगर बात मानी नहीं गई। जब कुछ भी नहीं हुआ तो उनके पास कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि फर्स्ट फ्लोर से कूद जाए। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर थे उनके फेवरेट शशि कपूर। शशि जी ने शर्मिला टैगोर को हिम्मत बंधाई कि भाई कर दो, करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अब मजे की बात देखिए कि शर्मिला टैगोर हिम्मत जुटाकर सीन करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन जब कूदने की बारी आई, एक्चुअल जंप करने की बारी आ गई, तो वो डर गई, सहम गई, जैसे कि तैसी खड़ी रही, कूद नहीं पाई। शशि कपूर नीचे से चिल्ला रहे थे, पूरी यूनिट भी चिल्ला रही थी जंप जंप जंप, मगर शर्मिला जी टस से मस नहीं हो रही थी। डायरेक्टर को कट करना पड़ा। शशि कपूर एक बार फिर हिम्मत दिलाने, समझाने छत पर गए, बकअप बकअप, यू हैव टू डू इट। शर्मिला से कहा कि डरो नहीं, तुम्हारी सेफ्टी के पूरे इंतजाम हैं, नीचे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस के ऊपर गद्दे रख दिए गए हैं, तुम्हें कुछ चोट नहीं आएगी और ये ज्यादा हाइट भी नहीं है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कड़ा इरादा कर लो, एक लंबी सांस लो और कूद जाओ। टेक हुआ और हिम्मत जुटाकर लोगों के कहने पर शर्मिला टैगोर आखिर कूद ही गई। सेफ्टी के सारे इंतजाम होने के बावजूद उन्हें इस सीन को करते हुए थोड़ी सी चोट लग गई। ये सीन तो किसी तरह से निपट गया, मगर उनके दिल में एक डर बैठ गया हमेशा के लिए, फॉर होल लाइफ। उन्होंने सोच लिया कि अब आगे से कभी कोई ऐसी फिल्म नहीं करूंगी जिसमें इस तरह की छलांग लगानी हो, कूदूंगी नहीं, फिल्म छोड़ दूंगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्हें दोबारा आत्माराम की फिल्म में कूदने का सीन मिला है। फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। इस बार उन्होंने पहले ही डायरेक्टर से साफ साफ कह दिया कि देखिए कूदूंगी नहीं, भले ही मुझे आपकी फिल्म छोड़नी पड़े, या तो किसी और से करवा लो, डबल से करवा लो, या किसी और हीरोइन को ले लो, मैं ये फिल्म नहीं करूंगी अगर कूदना है तो। तो शर्मिला के इस फरमान पर वो जंप करने का सीन उनके डुप्लीकेट से करवाया गया। तो फिल्म पाप और पुण्य ही वो पहली और आखिरी फिल्म थी जहां शर्मिला टैगोर ने जंप किया था। इसके बाद उन्होंने ऐसे स्टंट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। शक्ति सामंत मौसमी चटर्जी को ब्लाइंड स्कूल क्यों भेजना चाहते थे, और फिर मौसमी चटर्जी ने ऐसा क्या किया कि शक्ति सामंत ने उन्हें ब्लाइंड स्कूल भेजने का आइडिया ड्रॉप कर दिया, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो, सुहाना सफर विद अनु कपूर।